साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आप सुन रहे हैं। हम लोग उसी वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एक साल हो चुका है, नून लीग ने गलत ट्रिक खेली, पॉलिटिकल मूव गलत थी, नहीं करना चाहिए था। मैं अभी ये काशिफ साहब से यही सवाल कर रहा था कि जनरल फैज तो तब भी सिस्टम का हिस्सा थे और यही सबसे बड़ा डर मुस्लिम लीग नून को था कि जी इनके वहां पे होते हुए जो है हमारी बारी नहीं आ सकती। गलत मूव थी नून लीग की तरफ से? नहीं अपना मंसूर, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही मूव थी, क्योंकि जनरल फैज ने और इमरान खान ने सबको दफन कर देना था बाकायदा, अपने सियासी मुखालफीन को भी, अपने नाकदीन को भी, अपने क्रिटिक्स को भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जिस दिन इमरान खान ने इस्तीफ़ा दिया उससे 2 दिन पहले इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ था वो जेर ज़मीन नज़र आता था। मैं तो ये कहता था कि PTI का कोई टिकट नहीं लेने वाला, लेकिन फिर वो एक स्पीच की उन्होंने साइफर दिखाया और उसके बाद जो उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया। तो देखिए अभी इलेक्शन होगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त तक अपनी राय विच कैन बी रॉन्ग कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी मकबूल जमात है हकीकी मानों में तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। और 4 जमातें मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दफन हो चुका है। एक मुस्लिम लीग काफ का पॉलिटिकल कैपिटल दफन हो चुका है, MQM जो है वो बहुत ही जेर ज़मीन पहुँच गई है, ANP जो है मुझे डजंट फिगर एनीवेयर। और अगर विजिबली सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसी को तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ है। और ये बिल्कुल अफसर साहब की बात सही है, काशिफ साहब की भी सही है कि इलेक्शंस आर द राइट पैरामीटर, लेकिन हम जो मैं चीज़ देख रहा हूँ पहली बारी घरों के अंदर लड़ाई हो रही है और घरों में लोग डिवाइड हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नॉर्मली पूरा पूरा घर जो है वो एक जमात की तरफ होता था और यहाँ पे बड़ी वाज़े डिविजन्स हैं, पोलराइजेशन आप कह लें जो मर्जी के खिलाफ है। जी ये लग रहा तेरे बच्चे तेरे खिलाफ है कि नहीं भाई? अच्छा तो ठीक है जी, बिल्कुल तुसी बोल लिया फोन में गल कर लवा, बोले बोले मुबशर साहब बोलिए। ये माइंड कर गया था, मतलब मैं ठीक कह रहे ये इनकी छेड़खानी चलती रहेगी, आप बात कीजिए भविष्य साहब। सुन ले उनकी बात, क्योंकि इनकी वाकई अपने घर में नहीं सुनी जाती, तो इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले। क्लीशे स्टेटमेंट। नहीं सर, आप बोलिए प्लीज, आप अपने एनालिसिस दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ देखें तजिया हमारा गलत भी हो सकता है। मैं तो ये समझता था बाई इलेक्शन से नून लीग स्वीप कर लेगी, 20 में से मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन सी सीट हारेगी और वो सारी की सारी हार गए। और बल्कि आप ही के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि वो हारेंगे और मैं कहता नहीं हारेंगे, ठीक है ना, और वो गलत हो गया जी। ऐसे ही हमें उस दिन का ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन खड़ा होगा उस दिन, क्या हालात होंगे, क्या चीज़ होगी, किस तरह वर्किंग, या हमजा शहबाज और मरियम नवाज की आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अख्तलाफात नहीं ख़त्म हो रहे, या मिफ्तेह इस्माइल के अख्तलाफात आपस में ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि मंजर आम पे हैं। मैं कैसे कह दूँ कि वो पॉपुलर जमात है? दे आर नॉट पॉपुलर, ठीक है, दे आर नोन, दे आर वेरी वेल नोन। अच्छा दूसरा, इमरान खान की मकबूलियत में जो एक खौफनाक इजाफा हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इमरान खान को नहीं वो लोग पसंद करते इतना, वो इन लोगों के खिलाफ है जो PDM में, वो इनके वो कहते हैं यार एना के मुकाबले तो ठीक है, यू नो वो ठीक है, वो उस तरह के वाइब्रेंट नहीं होंगे, पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। अच्छा वैसे मुबशर साहब एक यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये तमाम लड़ाइयों का जिक्र किया, एंड यू आर फैक्चुअली राइट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये वो वाली लड़ाइयाँ नहीं है सर जब टीम बेसिकली हार रही होती है। क्रिकेट की अगर एग्जाम्पल लें, आप भी खेलते रहे, काशिफ भाई भी खेलते रहे, ये बेसिकली टीम जब हार रही होती है ना तो इन फाइटिंग तब शुरू होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तब शुरू होते हैं। सो दिस मीन्स कि मुस्लिम लीग नून को खुद भी इस बात का पता है कि आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मंसूर साहब मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, जब तक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते और कम से कम 6 महीने जेल में नहीं रहते और जेल से इलेक्शन की कैंपेन नहीं करते, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में कोई स्कोप नहीं है। और आधी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून दुआ ये कर रही है कि किसी तरह शहबाज शरीफ नाएहल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आगे, उससे मुस्लिम लीग जिंदा हो जाएगी, कोई और वजीर आजम बना देगा, मुस्लिम लीग को जो है सिंपथी वोट ले जाएगी, जिंदा हो जाएगी। ये बाकायदा वो दुआएं कर रही हैं। मुबशर लुकमान साहब ने इमरान खान साहब का जिक्र किया था कि आज से 1 साल पहले तक गालबन 27 मार्च की डेट थी जिस दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था और उसके अंदर वो साइफर हिलाया था और एकदम उनके पास एक सेलिंग पॉइंट आ गया था कैंपेन करने के लिए, एक चीज़ आ गई थी जिसके बाद उन्होंने 55 से 60 जलसे भी कर डाले। मुस्लिम नून की अगर सियासी सूरत हाल देखें, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, उनके पास भी आज से महीना 1.5 महीना पहले तक कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद अदलिया से जो महाजराई शुरू होती है उसके बाद से लेकर अब अपने वोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए करेंगे उनके क्या उनके पास भी एक सेलिंग पॉइंट आ गया है या नहीं आया। काशिफ साहब इसमें कामयाब हुए आपके ख्याल में? देखिए उस तरह का सेलिंग पॉइंट नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए सेलिंग पॉइंट किसी के पास हो ना हो, बयानिया किस तरह बनाया जाता ना, समटाइम्स ये भी बड़ी होता कि कौन बना रहा है, बना सके, कैसे बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सेलिंग पॉइंट बन सकता। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल, लुकिंग एट इट, मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ इमेजिन करने की। अफसर साहब अभी थोड़ी देर पहले जैसा कह रहे थे ना, वो मियाँ साहब का ये एक प्रोटेस्ट भी हो सकता है कि अदलिया ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, ये उसी कॉन्टेक्स्ट का क्या वॉल्यूम 2 है? देखिए मियाँ साहब ने जो 2018 की कैंपेन थी मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद खासकर जो वोट को इज्जत दो की कैंपेन शुरू की, जी वही वो इसी बुनियाद पर शुरू की। जी मियाँ साहब जब GT रोड पे भी गए थे इसी बुनियाद पर गए थे, और वो उनका खासकर वोट को इज्जत दो काफ़ी रेजोनेट इसलिए कर था कि मुझे पहली दफ़ा लगा कि पंजाब में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा बिक रहा है। पहले पंजाब में एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा नहीं बिकता था, ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ है पंजाब उधर ही जाएगा। आवाज़ इसी बात पे चलती थी कि जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट चली गई उधर हवा है तो पंजाब उस तरफ जाता है। आप देखिए पूरा सेंटर पंजाब मियाँ साहब ने रिटेन किया लार्जली इलेक्शंस में, इस एडवर्सिटी के बावजूद कि वो खुद जेल में, मरियम नवाज जेल में, बंदे टूट गए, लोग छोड़ के चले गए, और जो हालात थे पार्टी के उसके बावजूद रिटेन किया। सो पंजाब ने निकल के वोट डाला मियाँ साहब। सो पंजाब ने वोट को इज्जत दो, आई थॉट वॉज अ गुड नारा, जिसको इन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज किया। अब वो तो हाथ से निकल लेंगे, अब खत्म हो गया ना जी। अब पीटीआई के पास फौजियों के साथ डील कर ली ना, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप खुद डील कर लें इतनी सारी कैंपेन बनाने के बाद, उसके बाद भी मियाँ साहब का ना आना, देखिए ये तो समझ में आती थी कि मियाँ साहब वापस आएंगे, इस मुल्क में जनरल फैज बैठे हुए हैं, जनरल बाजवा बैठे हैं, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और कुछ नहीं कर सकेंगे और शायद वापस भी ना आ सकेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। वो हालात तो बदल गए हैं। अब तो जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी है वो इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कि मियाँ साहब को अंदर रखने के लिए बैठी हुई, या जिसने मियाँ साहब के साथ को ज़बरदस्ती ज़्यादती करनी है उसी के साथ आपकी डील बना के हुकूमत। लेकिन वो तो इमरान खान साहब को भी अंदर रखने के लिए नहीं बैठी हुई, फिलहाल नहीं बैठी हुई, ये नहीं लग रहा ना। बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी तक कोई इस तरह की चीज़ मैंने नहीं देखी जो कहेगा हालात को उस नैज में ले जाएं जहाँ पे बिल्कुल नहीं मुकाबला। आई विल फ्लिप द क्वेश्चन, क्या इमरान खान का 2023 नवाज शरीफ का 2017 जैसा है? नहीं, कंपैरिजन पार्टी खत्म कर। देखें कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि मियाँ साहब को सजा हो गई, लेकिन मियाँ साहब के केसेस भी थोड़े से, मेरा ख्याल है ये वाला जो बात मैं इनसे एग्री करता हूँ, पहले भी कह रहे थे हम और, लेकिन उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तनख्वाह वाला, वो तो वी ऑल सॉ इट एट बैक देन। और पैनमा का केस जो जज बशीर साहब का फैसला था उसको भी गौर से पढ़िएगा, जिसमें अपार्टमेंट्स जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में जवाब, वो तो लुकमान साहब बेहतर जानते हैं, उन्होंने सारी लुकमान साहब भी उस वक्त बड़े सीरीज की हुई है उन्होंने, सारों ने सीरीज की। बाय चांस उस वक्त हुआ ये कि ये आया और बयान सामने क्या आ रहे हैं, हमारे नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ, लंदन जायदादें कोई नहीं, कौन सी जायदादें, और सडनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। तो यार भाई कौन सा बयान ठीक था? ठीक, अभी भी आप नून के सीनियर लोगों से पूछें जो हमारे दोस्त हैं, अब सार साहब से को पता है इस चीज़ का, कहते हैं 93-94 में खरीदा हूँ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का प्रोटेस्ट है एक किस्म का, ये नहीं प्रोटेस्ट नहीं अगर नहीं। देखिए मेरा ख्याल है एक मियाँ साहब को क्या वापस आना चाहिए, आना तो चाहिए। देखिए दो मॉडल्स हैं ना, आप या बेनजीर भुट्टो मॉडल या आपने इमाम खुमैनी मॉडल, लेकिन वो दोनों इवेंचुअली तो अपने मुल्कों में वापस आए थे ना, नहीं वो अब वो माहौल बन गया है जिसमें ये वापस आ सकते हैं। एक दूसरा आप वो लॉन्ग रोड टू फ्रीडम मॉडल है मंडेला वाला, कि भाई मैंने पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना। मैं नहीं एग्री करता। क्या क्या कह रहे हैं मुबशर साहब, बताइए। अजय को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मियाँ साहब का प्रॉब्लम समझे, देखे हर एक की एज होती है, मसलन मेरी एज जो हो गई है ना, मैं आपसे इतफाक करता हूँ, मैं इसी जगह जा रहा था अगर आप मुझे खत्म कर देंगे, ये मॉडल्स तो यही है, लेकिन मैं आपसे इतफाक करता हूँ कि मियाँ साहब प्रॉब्ली हैज रियलाइज्ड कि मैंने एज इज नॉट ऑनेस्ट। और दूसरा मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज की सूरत में उनको अपना मुतबादल मिल गया है। ठीक है, पहला जलसा याद होगा गुजरावाला, लुकमान एक जुमला पूरा कर लूँ कि मरियम नवाज ने तकरीर खत्म की, जब मियाँ साहब की बारी है तो मेहाला पंडाल को 10% ही रह गया था पीछे बंदा, आपको याद होगा उसकी बड़ी वो मजाक बने थे बाद में, लेकिन वॉट वॉज दैट सिग्निफाइंग कि शायद मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर मियाँ साहब से शिफ्ट होकर मरियम नवाज की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट साहब ये जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात हो रही है, जारी बात है उनकी अपनी पार्टी कंपैरिजंस करती है, पैरेलल्स ड्रॉ करती है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सूरत हाल के साथ एंड ऑल दैट, लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे तो जो रेजिस्टेंस है पार्टी के अंदर वो अपने ही चाचा की तरफ से या उनके ग्रुप की तरफ से, वहाँ यहाँ पे सिर्फ वो अंकल का इशू नहीं है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को था। नहीं है अंकल का इशू, अंकल ही है ना ये भी सारे जिनका आपने नाम लिया है। लेकिन बात ये तो सगे अंकल है ना नवाज शरीफ, नहीं सगे भी दूसरे भी मतरे भी सभी अंकल ही हैं, अंकल जी हैं। अब नवाज शरीफ ने, मैं एक बात आपको बता दूं, वापस आना है, पता नहीं शायद काशिफ ने कहा या मुबशर ने कहा कि वो नहीं आएंगे, आएंगे मैं वापस। मुबशर ने कहा आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नवाज शरीफ वापस आने का जल्दी क्यों इंतजार? नहीं खैर मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स के लिए आएंगे, उसके अलावा क्या करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ की तो सियासत खत्म नहीं हो गई। हम तो ये सुनते रहे टीवी चैनल्स पे पिछले कई सालों से कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, तो उनको फिर बार बार तजियाकार ये कहते रहे हैं ना, मतलब कि जुबाजी मुक गया, शरीफ खानदानी मुक गया, मरियम नवाज भी कहीं की नहीं रही और नवाज शरीफ भी, ये जनरल बाजवा जनरल फैज भी कहते रहे हैं ये बात, कहें जाने दीजिएगा ये। हाँ बोलिए, ठीक है, जनरल फैज और जनरल बाजवा ये बात कहते रहे और वो आगे लोगों को कहते रहे और लोग जाके आगे लोगों को कहते रहे कि जी वो उनको तो वापस नहीं आने दिया जाएगा। खैर वो खुद नहीं रहे, वो अलग बात है। दूसरी बात, आपने जो जनरल बाजवा साहब ने क्या किया, जो साइफर आपने साइफर इमरान के लहराने की बात की ना, एक साल पुरानी और बयानिया, देखें मैं समझता हूँ कि ये जो काशिफ ने बात की है ठीक की है कि बयानिया बनाया जाता है, बयानिया है क्या इट डजेंट मैटर। अच्छा, एक झूठ था ना साइफर, ये साबित हो गया कि झूठ था। वेल डिबेटेबल है, डिबेटेबल नहीं है, खुद कह दिया इमरान खान ने कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, बाजवा ने की है, यहाँ से वो कहते हैं साइफर हकीकत है साइफर, लेकिन ये हुसैन अकानी के थ्रू मनवाया गया। मंसूर that's the theory, let's make it clear। हाँ। साइफर में साजिश नहीं थी, साइफर आया है, ये कागज लिखा हुआ ना, इसमें साजिश तो नहीं है ना, ये बात अलग है कि अमेरिका ने साजिश की साइफर के जरिए। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में, हालांकि किसी ने भी नहीं देखा। नहीं, आपको फिर भी कोई ब्रीफिंग दी गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में? ये काशिफ साहब को दी गई थी, मुझे नहीं पता। ब्रीफिंग नहीं ली मैं, कोई मैं वो बात करूं जो इमरान खान खुद कह रहे हैं जी, वो उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा साजिश अमेरिका ने नहीं की, बाजवा ने की है। ठीक है, वापस मुड़ गए अपने उस बयानिए से, लेकिन उन्होंने उस बयानिए को बनाया, पूरा साल चलाया उन्होंने, ऊपर लेके गए ग्राफ को, फिर उन्होंने छोड़ दिया। नवाज शरीफ ने 5 साल पहले वोट को इज्जत देकर इज्जत दो का नारा लगाया, हम आज भी बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने वो नारा छोड़ दिया। इमरान खान का 1 साल पुराना जो नारा था हम उस पर बात नहीं करते। ठीक है, ये होती है मीडिया मैनेजमेंट कि आप एक बंदे की कही हुई 5 साल पुरानी बात को भी रगड़ते हैं। इमरान खान 1 साल में कितने मौक़िफ़ बदले, हम उसको कभी ग्रिल नहीं करते। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम आगे चल पड़े। ये उनके अंदर जो उनकी मीडिया मैनेजमेंट की जो स्मार्टनेस है ना, और जिस तरह वो बयानियाँ बनाते हैं और जिस तरह वो फैलाते हैं, ये असल बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जेन्युइन पॉलिटिक्स भी हो रही हो, जो आप अभी कह रहे थे ये पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये वाकई पॉलिटिक्स हो रही है और बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। इसकी बुनियाद पर भी मुस्लिम लीग नून या पीडीएम शायद बयानियाँ ना बना सके अगर शहबाज शरीफ को निकाल देते हैं तो तौहीन अदालत में। लेकिन इमरान खान ने एक झूठ पर भी बयानियाँ बना के कामयाब कर लिया।